हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास किचन। आज हम बनाएंगे कॉड फिश करी। चलो देखते हैं कॉड फिश करी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कॉड फिश लिया है, 200 ग्राम कॉड फिश है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, एक चम्मच कोकोनट फ्लावर लिया है, मीन्स कोकोनट पाउडर ली है। आप चाहिए तो फ्रेश कोकोनट ले सकते हो, नहीं तो ड्राई कोकोनट भी आप ले सकते हो। मेरे पास कोकोनट पाउडर है, इसीलिए मैंने कोकोनट पाउडर ली है। आधा छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आधा छोटी चम्मच जीरा, टेस्ट के लिए नमक, और गार्निशिंग के लिए कटा हुआ हरा धनिया। देखो, एक कॉड फिश करी बनाने के लिए मैंने ये जो प्याज कट करके लिया है, मैं इसको हल्का सा भूनूंगी। आप चाहे तो तेल में प्याज टमाटर डायरेक्ट भून के भी करी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको हल्का सा पैन में भूनने के बाद इसकी पेस्ट बनाने वाली हूँ। चलो मैं अभी इसको भूनती हूँ। एक पैन गरम करने के लिए रखा है, और ये करी बनाने के लिए हमें 2 चम्मच तेल चाहिए। चाहे तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, नहीं तो जैसे आपको जैसा जो ऑयल पसंद है वो ऑयल से आप बना सकते हो। इसमें मैं जस्ट आधा छोटी चम्मच तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद इसमें प्याज डालना। देखो, आप डायरेक्ट इसी तरह से फ्राई करके भी प्याज को भून के उसमें टमाटर और सारे मसाले डाल के भी करी बना सकते हो, नहीं तो इसकी पेस्ट बना के भी आप करी बना सकते हो। जो आपको पसंद है उस तरह से आप कीजिए। देखो, ये प्याज हल्का सा भून गया है, अभी हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। देखो, मैंने अभी गैस ऑफ किया है। अभी हम इसको एक बाउल में निकालते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसकी पेस्ट बनाएंगे। टमाटर और प्याज की इस तरह से बारीक पेस्ट बनाइए। अभी हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। देखो, ये तेल गर्म होने लगा है, अभी हम इसमें जीरा डालेंगे। एक जीरा डालने के बाद इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। देखो, ये अदरक और लहसुन अच्छी तरह से भून गया है, अभी हम इसमें ये हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद ये टमाटर और प्याज की पेस्ट। और इसको अच्छी तरह से तेल अलग होने तक भूनना है। देखो, इसमें से तेल अलग होने लगा है, अभी हम इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल देते हैं। अभी हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे और गरम मसाला। देखो, ये अच्छी तरह से मसाले भून गए हैं, अभी इसमें थोड़ा पानी डालो। इसको फिर से पानी डालने के बाद 2 मिनट भूनेंगे। इसमें टेस्ट के लिए नमक भी डाल देते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे एक फिश, कॉड फिश। फिश डालने के बाद एक थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं। अरे, सारी चीजों को अभी हम इसमें जैसे आपको करी चाहिए उसी तरह से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो।
देखो ये फिश डालने के बाद आपको जिस तरह से जैसी करी चाहिए, पतली चाहिए, ज्यादा गाढ़ी चाहिए, उस तरह से आप पानी ऐड कर सकते हो। अभी इसके ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसको 3 4 मिनट, 4 5 मिनट के लिए पकाते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। फिश 4 मिनट में जल्दी से पक जाएंगे। चलो अभी हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखो 5 मिनट हुआ है। वाह, देखो ये फिश अच्छी तरह से पक चुके हैं और देखो करी भी कितनी अच्छी आ गई है। मैं अभी गैस ऑफ करती हूँ और एक सर्विंग प्लेट में इसको निकालती हूँ। वाह, देखो बहुत अच्छी तरह से फिश पक चुके। चलो मैं अभी इसको एक सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। वाह, देखो कितनी अच्छी एक फिश करी बन के तैयार है। देखो लीजिए, एक गर्मा गर्म कॉड फिश करी बन के तैयार है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा गार्निशिंग के लिए कटा हुआ नरम धनिया डालती हूँ। देखो बहुत अच्छी एक कॉड फिश करी बन के तैयार है। ये कॉड फिश करी आप ब्रेड के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हो। बहुत अच्छी और टेस्टी कॉड फिश करी बन गई है। आप भी जरूर इसी तरह से कॉड फिश करी बनाइए, खाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। कुछ सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मेरे चैनल के लिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।